चंडीगढ़ स्पीक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज एक ऐसा विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं जिसके बारे में अधिकतर नौजवानों को कुछ भी पता नहीं होता और उसका दोष भी नहीं उनके माथे मढ़ा जा सकता, क्योंकि उन्हें इस बात के बारे में ज़रा भी कहीं भी कोई भी कोई ऐसा दृष्टिकोण या कोई भी ऐसी वार्निंग नहीं है। विषय है कि हमारा इतिहास जो है उसको कहाँ कहाँ गलत ढंग से पेश किया गया है। स्कूल से जब बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं तो इतिहास उनके लिए एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है और उस अनिवार्य सब्जेक्ट में जो पढ़ाया जाता है, बच्चों की मानसिकता ये होती है कि जो किताब में छपा है वह 100% सत्य है। लेकिन आज हम आपके सामने ये बात रखेंगे कि किताबों में छपी बहुत सी बातें सत्य नहीं होती। एक और दृष्टिकोण इस विषय का वो ये कि कई बार इतिहासकार जानबूझकर तथ्यों को मरोड़ते हैं और कई बार राजनीतिक कारण होते हैं और कई बार सिर्फ अज्ञानता रहती है हमारे इतिहासकारों की। इतिहासकार भी कहीं जब अपनी किताबें पढ़ते हैं जो उन्होंने पढ़ा होता है उसी को आगे आपको सुनाने लगते हैं या एक समय पे खुद किताब लिखते हैं, लेकिन तथ्यों को पूरी तरह से परखने की जो ज़रूरत रही वो शायद कई जगह इतिहासकारों ने वो नहीं किया, जिसकी वजह से आज हमारे पास इतिहास में बहुत सी त्रुटियां हैं, बहुत सी गलत फहमियाँ हैं और बहुत से ऐसे चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं जानबूझकर के, ताकि बहुत सी और चीज़ों को आप ना पढ़ पाएं। आपका ब्रेन वॉश यानी कि आपके मस्तिष्क में उस बात को जाने ही नहीं देना जो शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो ये एक कई बार राजनीतिक षड्यंत्र है और कई बार इतिहासकारों की अज्ञानता, ये दोनों ही तथ्य हैं जो आज हम आपके सामने पेश करेंगे। और इसके लिए मैंने बड़े ख़ास मेहमानों को आपके सामने निवेदन किया है यहाँ स्टूडियो में आने का। मेरे बाएं हाथ बैठी हैं सुखमनी रियाड़, जो सुखमनी रियाड़ हैं ये इतिहास की अध्यापक प्राध्यापक हैं यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, और इतिहास बहुत सालों से पढ़ा रही हैं, तो ये जाहिर है इस विषय से सीधे तौर से जुड़ी हुई हैं। मेरे दाएं हाथ बैठे हैं हेमंत गोस्वामी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इसके अलावा बहुत कुछ करते रहते हैं और कोई बहुत ज्वलंत विषयों पर इन्होंने काम किया है। इनके दाएं हाथ बैठे हैं नीरज अत्री, नीरज अत्री फिज़िक्स पढ़ाते हैं, तो फिज़िक्स पढ़ाते हुए इतिहास से इनका क्या संबंध हो गया? तो यूजली ऐसा समझा जाता है कि साइंस के जो विषय पढ़ाते हैं उनको इतिहास नहीं पता होता, इतिहास के जो पढ़ाते हैं उनको साइंस नहीं पता होती, लेकिन इनको दोनों चीज़ों का ज्ञान है। इन्होंने एक संस्था भी खोली है जो इतिहास में जो त्रुटियाँ हैं उनके ऊपर रिसर्च कर रही, और ये संस्था जो है ये इसकी भी अगुवाई जो है वो नीरज अत्री कर रहे हैं। यहाँ मेरे पास ऑडियंस में बहुत से कुछ ऐसे ज्ञानी लोग आए हैं जो इसके ऊपर जानते हैं कि इतिहास में कहाँ कहाँ क्या क्या त्रुटियाँ हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत से विद्यार्थी आए हैं जिनके लिए ये ज़रूरी है जानना कि आपको कई बार आपका जो सिलेबस है वो गलत पढ़ा रहा होता है। तो बातचीत को शुरू करते हैं नीरज आपसे, खास तौर पे आपकी संस्था इस पे रिसर्च कर रही है, आपको पहले तो ये विचार कहाँ से आया फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते कि सामाजिक इतिहास की त्रुटियों को ढूंढने का? ऐसा है जी कि क्योंकि मैं अध्यापक रहा हूँ शुरू से, तो बच्चों में भ्रांतियाँ बहुत सारी बचपन से आ जाती हैं। जी जी। तो हमारी कोशिश ये होती है, वो चाहे फिजिक्स हो, बेसिकली तो फिजिक्स में ही था, कि जो भ्रांतियाँ उनको हम कैसे दूर कर पाएंगे, क्योंकि जो छोटी उम्र में उनके मन में बैठ जाता है उसको निकालना सबसे मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। तो वही चीज़ मैं देख रहा था कि इतिहास के बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको लोग जानते ही नहीं और फिर भी वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि यही सच है। जी जी जी। तो वो समझने के लिए हमने कोशिश करनी थी कि क्या कारण है इसका, तो उससे हमने फिर जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं एनसीईआरटी की उनसे रिसर्च को शुरू किया कि इसमें कहाँ पर त्रुटियाँ हो रही हैं और उसका क्या कारण है, जिससे कि बच्चों के मन में, बच्चे क्या जब बड़े भी हो जाते हैं तो भी उनके मन में वो त्रुटियाँ वैसी की वैसी भ्रांतियाँ बनी रहती हैं। अच्छा, तो आपने इस पर काम शुरू किया? जी। मैंने एक कहानी सुनी थी कि वो जो जिन नहीं आ जाता घुमाने से और फिर वो उसको वो हर पल कहता है कि एक और काम बताओ आका, तो वो उसको छलनी दे देता है कि जाओ समुद्र से पानी लेके आओ। तो ये मुझे वैसे से लग रहे हैं कि अपनी फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते कितने गहरे विषय में जा रहे हैं ढूंढने,
तो ये वो शख्स होंगे कि जो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होते और ये चाहते हैं और तो छलनी अभी आपके हाथ में किसी ने नहीं दी जी। तो बेहतर है हमारे पास बहुत सी त्रुटियां आप बता पाएंगे हमें जी, जी हेमंत आप जी। कैसे जुड़े इनके साथ जी? मैं तो कहीं एक्चुअली क्या है कि स्कूल टाइम में हमेशा हिस्ट्री पढ़ने के बाद ऐसा लगता था यही सच है, फिर थोड़ा सा बाद में बड़े होने पे थोड़ा और इंटरेस्ट होना शुरू हुआ तो वेस्टर्न, क्योंकि अंग्रेज़ी में हम अंग्रेज़ी माध्यम था पढ़ने का तो सारे अंग्रेज़ी राइटर्स की हिस्ट्री की वर्जन भी वही पढ़नी शुरू की तो समझा कि यही इतिहास है, उसी तरह का इतिहास है। पर कुछ समय कोई 10-12 साल पहले मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जितने भी अंग्रेजी के वर्जन हैं ये सिर्फ पिछले 8-10 सालों में ही 100-150 सालों में ही लिखे गए हैं जी। तो ये 100-150 सालों में लिखे गए हैं तो इससे पहले का इतिहास तो जो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसे हम कहते हैं, जिसने लिखा हो, जो उस सदी में उस इरा में जो समकालीन जो उस समय का व्यक्ति हो उसके मुँह से पढ़ने का मजा आता है। हाँ, उसको भी पढ़े बिल्कुल। तो मैंने उनको पढ़ना शुरू किया, जब उनको पढ़ना शुरू किया तो देखा कि इतिहास जो हमने पढ़ा और जिसके बारे में हमें इतना कॉन्फिडेंस था कि ये इतिहास ऐसा ही है और लड़ पड़ते थे कि नहीं ऐसा है, मैंने पढ़ा है ऐसा, तो पता चला कि वो सारे का सारा झूठ है। कोई एक उदाहरण? अब मैं जैसे अब मैं समाज सेवा में के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो कई जब स्कूल में आप होते हैं तो कई तरह के रोल मॉडल होते हैं जी। तो रोल मॉडल में पढ़ाया जाता है राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद और ये सब का वहाँ से शुरू होता है जी। तो कुछ साल पहले मैंने सोचा चलो राजा राम मोहन रॉय के बारे में और पढ़ना चाहिए जी जी। तो सबसे पहला झटका मुझे लगा जब मुझे ये पता चला कि राजा राम मोहन रॉय कोई राजा नहीं थे। अच्छा। दूसरा झटका लगा जब मुझे ये पता चला कि वो तो पूरे ताउम्र ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम थे। अच्छा। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी में थे। तीसरा फिर पता चला कि सती प्रथा की बात करते हैं तो 54 साल की उम्र तक तो उन्होंने कभी कोई कुछ किया ही नहीं, कुछ लिखा नहीं, सिर्फ एक चिट्ठी उनको एट्रीब्यूट होती है वही एक चिट्ठी है। फिर मेरे को पता चला वो अंग्रेज़ों के साथ मिलके उन्होंने बहुत सारा काम किया और उनके आपस के विवाद और ये सब कुछ और जिस तरह का चलता रहा, उनको अंग्रेज़ों ने ब्रह्मो समाज की स्थापना के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे उसमें से पता चलनी शुरू हुई। फिर मैंने उस पर इंटेंसिव रिसर्च करनी शुरू हुई जिस पर मैं आजकल एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जी। इवन जो 1827 का जो ये 1829 का बंगाल रेगुलेशन है जिसमें हम कहते हैं सती प्रथा ब्रिटिश सरकार ने बंद की, तो उस समय तो ब्रिटिश सरकार का कोई शासन नहीं था, उस समय तो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का था। और बंगाल रेगुलेशन जब लेके आए, अब हम जो सती को जानते हैं वो राजस्थान में मैक्सिमम इंसिडेंट की हम बात करते हैं, अब वो तो बंगाल प्रोविंस का हिस्सा भी नहीं था वहाँ पर और वो तो कंसिडरेशन भी नहीं थी। ये एक छोटे से कैलकटा के एरिया में जहाँ पर कुछ इस तरह की तंत्र विद्या के साथ होती थी चीज़ें तो उसके बारे में था। और फिर मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिकॉर्ड इस पर ढूंढना शुरू किया, मैंने कहा देखें कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में सती के बारे में क्या लिखा गया, और मुझे पता चला कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट प्रस्तुत हो रही है ये कोई भी आप लोग देख सकते हैं जो ऑडियंस में है, हंसार्ट करके एक वेबसाइट है ब्रिटिश पार्लियामेंट की, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई स्टैटिस्टिक्स ही नहीं मिले जिसके बेसिस पे इस तरह की ये रेगुलेशन की बात की गई। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आपने ये खास तौर पर मैंने एक आपको इंसिडेंट बताया, बहुत सारे और हैं जो ये डेफिनेटली सती प्रथा को उनके साथ जोड़ा जाता है। तो ये एक और चीज के साथ जोड़ा जाता है, उनको विधवा विवाह के साथ जोड़ा जाता है कि उन्होंने विधवा विवाह किया। जो विधवा विवाह की वो बात करते हैं वो तो उसका तीसरा विवाह था, तो जिस समय वो अधेड़ उम्र से ऊपर पहुंच गए थे तो तीसरा विवाह उन्होंने वो विधवा के साथ किया, तो उसको विधवा विवाह के साथ जोड़ा जाता है। तो इसमें बहुत सारी और भी चीजें, ये तो एक के बाद एक बहुत सी त्रुटियां इन्होंने आपको गिनवाई जी। सुखमनी आप भी बताइए कि जिस तरह से इन्होंने एक पूरा खाका पूरा रिसर्च कर ली और एक पूरा खड़ा कर दिया कि ये उनके नाम के साथ जोड़ना गलत होगा, ऐसा कोई आपने भी कोई खास कोई इतिहास में जो चीज़ आपने